तो हे असलम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ Xiaomi के बारे में। अगर आप Xiaomi के स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं और क्या अच्छा मिल जाता है कंपेयर टू अदर स्मार्टफोन जो मार्केट में अवेलेबल है। तो बिना टाइम का आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से इस लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आप तुरंत ही हमारे फ्यूचर अपडेट्स आप पा सकें बिना किसी लिंक। तो अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे Xiaomi के कुछ बैड थिंग्स जो अगर आप लेते हो तो आप सभी के सभी उसको मिस कर जाओगे। तो इसमें पहली बात आती है हाइब्रिड सिम स्लॉट, क्योंकि जब तक Xiaomi का Y1 सीरीज और 5 सीरीज जब तक नहीं आया था तब तक हर Xiaomi के स्मार्टफोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता। यहाँ तक कि आपके Redmi OneS में था, आपको ड्यूल सिम था, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब से आपका Redmi Note 3 आया है, Note 4 आया है, Mi Max आया है, Mi Max 2 आया है, तो वहाँ से आपके हाइब्रिड सिम स्लॉट का सिस्टम जो चालू हो चुका था Xiaomi में। तो ये कस्टमर्स को बहुत ही पसंद नहीं आ रहा था Xiaomi की तरफ से कि ये उनको अच्छा लगा, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में आपको दोनों सिम भी चाहिए और अच्छा स्टोरेज भी चाहिए, जो कि Xiaomi स्टोरेज तो अच्छा प्रोवाइड कर ही देता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिम का जो दिक्कत उठाना पड़ता है वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो अब बात करते हैं सेकंड मेन थिंग के बारे में। तो यहाँ पर आता है इसका कस्टम स्किन, जो कि अगर आपको पता है कि Xiaomi रन करता है कस्टम स्किन पर, तो वो होता है MIUI वर्जन 9 या फिर 10 कह सकते हैं, अभी आने वाला है दिसंबर में। पर कस्टम स्किन अच्छा नहीं लगता है बहुत सारे यूजर्स को, क्योंकि अगर Xiaomi अपना प्योर एंड्रॉइड वर्जन लाए, जैसे कि आपको Mi A1 में आपको देखने मिल जाता था स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता था और अच्छे से अच्छे अपडेट्स आपको देखने मिल जाते थे। तो मेन बात मैं आपको कस्टम स्किन के बारे में बुरी बात करूँ तो उसके अपडेट्स जो है बहुत लेट आते हैं और कुछ नए फीचर्स भी रोल आउट होना बहुत ही लेट आते हैं। जो कि अगर मैं आपको कंपेयर करूँ तो Mi A9 का स्प्लिट स्क्रीन का फीचर जो है बहुत ही 2017 के मिड में आ गया था, लेकिन Xiaomi ने उसको दिसंबर एंड में रिलीज कर दिया था स्टेबली, जो कि यूजर चाहता था कि उसकी स्टेबल वर्जन में आ जाए, क्योंकि दिसंबर में आ चुके थे सारे के सारे स्मार्टफोन्स में। तो ये कोई दिक्कत बात होती है, क्योंकि Xiaomi अगर एक कस्टम स्किन देता है तो वहाँ पर बहुत सारे यूजर्स को दिक्कत होती है, कस्टम स्किन यूज़ करना पसंद नहीं करते थर्ड पार्टी सोर्स, क्योंकि वहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे कि अमेजन हो गया, न्यूज डॉग हो गया और बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए वगैरह वगैरह, जो आपके इंटरनल स्टोरेज को मेमोरी भी भर लेते हैं और साथ ही साथ आपको यूज़ करने में ब्राउजिंग में भी रैम मैनेजमेंट में कुछ अच्छा मिलता है। तो तीसरी बात आती है रैम मैनेजमेंट। तो Xiaomi का कोई भी आप स्मार्टफोन ले लीजिए, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ 3GB की हायर वारंटी ले लीजिए, क्योंकि अगर आप जाते हैं 2GB वेरियंट को तो वहाँ पर आपको रैम मैनेजमेंट बिल्कुल बकवास देखने मिल जाएगी। मैं अगर आप कंपेयर करूँ तो अगर आपके यहाँ पर 3GB का मॉडल है तो वहाँ पर आपको लगभग से 1.9GB आपको अवेलेबल मिल जाएगी, तो अगर आपको 2GB मॉडल है तो वहाँ पर आपको लगभग से 1GB आपको देखने मिल जाएगी, जहाँ पर इंटरनल ऐप्स वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी खा लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी परफॉर्मेंस के टाइम, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा जब भी यूज़र यूज़ करना चाहता है Xiaomi का स्मार्टफोन, तो वहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट के हिसाब से रैम मैनेजमेंट थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर इंप्रूव होती तो बहुत ही अच्छी हो जाती थी, तो क्योंकि Xiaomi बहुत सारे वेरियंट्स में लॉन्च करता है, वो भी एक प्लस पॉइंट है कस्टमर्स के लिए। तो अब बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि हीटिंग का। तो अगर आपको पता है Xiaomi के Note 3 सीरीज, जो कि Note सीरीज है, जो कि Note 3 आया था, Note 3, Note 4 और Note 5 भी, अब सभी के सभी स्मार्टफोन जो है मेटल बॉडी साथ आ रहे हैं, यूनी मेटल बॉडी 2.5D कर्ड ग्लास और इन्फिनिटी डिस्प्ले साथ आ रहे हैं, तो वहाँ पर कस्टमर्स को दिक्कत आ रही है कि अगर वो स्मार्टफोन डे लाइट में यूज़ करते हो तो वहाँ पर उनका जो है टेम्परेचर लगभग से 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है और वो उनको हो के नहीं आता, क्योंकि मेरे पर्सनली मेरे फ्रेंड ने Note 5 Pro लिया था यहाँ पर मार्केट जाकर, और उसने पहला एक्सपीरियंस था Xiaomi के साथ, और उसने एक हफ्ते के बाद ही मुझे मिलकर कहा कि मुझे Xiaomi का स्मार्टफोन बेचना है। क्यों मैंने उसको रीज़न पूछा तो उसने बताया कि इसका जो हीटिंग इशू बहुत हो रहा है, लगभग से 41-40 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो मुझे हो के नहीं आ रहा है। मेरे घर में जो है किड्स हो जाते हैं तो वहाँ पर वो यूज़ करते गेम्स खेलते रहते हैं, तो मुझे डर लगता है कि क्या कुछ ना हो जाए, तो वो यहाँ पर दिक्कत आती है कि अगर हीटिंग का इशू ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे कस्टमर्स जो है डिससेटिस्फेक्शन हो जाएंगे इस Xiaomi के प्रोडक्ट्स के साथ। क्योंकि मैं यहाँ पर रेकमेंड करता हूँ कि मेटल बॉडी एक ट्रेंड होता है, तो मैं पर क्योंकि अगर आप प्लास्टिक बॉडी या फिर कार्बन बॉडी या फिर कोई भी नॉर्मल सा बॉडी दे देते हैं प्लास्टिक बॉडी, लाइक जैसे कि आपको Redmi 4 मिलता था, Y5 मिलता था, Y1 लाइट मिलता था, क्योंकि बहुत ही ईजी होता था, हैंडी होता था और अच्छा फील देता था, तो मेटल बॉडी का ट्रेंड मुझे कुछ अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मेटल बॉडी का ट्रेंड इस 2017-18 में, तो जरूर से कमेंट सेक्शन बताएगा और खुद की ओपिनियंस बताएगा इस स्मार्टफोन के ऊपर। तो अब बात करते हैं इसके फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ, जो कि कैमरा इंटरफेस। तो अगर आपको पता है क्या सबसे बेस्ट कैमरा आता है OnePlus का और उसके बाद आता है Motorola का, क्योंकि अगर मैं आपका Android सीरीज में बात करूँ तो पहला टॉपर आता है Sony का, तो आपका कोई लेवल ही नहीं है, वो अच्छे से नंबर दे देता है। तो मैं आपको बात करूँ Xiaomi में आपको मैनुअल मोड तो मिलता है, अगर आप Android फोटोग्राफर हो तो आपको वहाँ पर मैनुअल मोड मिलता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वाइट बैलेंस और ISO देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स नहीं मिलता है, आपको थर्ड पार्टी ऑप्शन डाउनलोड करके वहाँ पर एडिटिंग करना पड़ता है और कुछ वगैरह वगैरह करना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है जो कोई भी यूजर को। तो अगर आप Motorola का स्मार्टफोन देखेंगे, Moto G5 देखेंगे, G4 Plus देखेंगे, तो वहाँ पर 30 MP देते हैं सेम कैमरा, जो कि Xiaomi को 4 देता है, Redmi 4 देता है, जो कि मेरा भी सेम है 30 MP का और मेरे भाई का Moto G5 है, तो कैमरा अपेरेचर सेम है, सब भी सेम है उसमें, और उसमें आपको एडवांस मैनुअल मोड मिलता है जहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं और उसका शटर साउंड आप कोई भी ISO वाइट बैलेंस आप बहुत ही अच्छा शार्पनेस आपका एडजस्ट ले सकते हैं अपनी इमेज के, तो बहुत ही क्वालिटी की अच्छी इमेज आपको देखने
देखने मिल सकते हैं वहाँ पर, जो कि मोटो G5 में कंपेयर टू रेडमी 4। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कैमरे के लिए लेना चाहते हैं तो रेडमी नोट 5 के साथ शुरू कीजिए, फिर नोट 3 के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि नोट 3 का कैमरा 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि अच्छा लेंस के साथ आता है, अच्छा अपर्चर के साथ आता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप 2018 में लेना चाहते हैं तो रेजोल्यूशन नोट 5 लीजिए और नोट 5 प्रो के लिए जाइए और वेट कीजिए मी A2 का और Xiaomi S2 का, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड पर आने वाला है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, फाइनल दो चीज़ें बचती हैं जो कि बहुत ही बुरी हैं। तो यहाँ पर आता है इसका हेडफोन्स नहीं दिए जाते हैं कोई भी Xiaomi के डिवाइस में, क्योंकि कोई स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है। जब से Xiaomi 2013 में इंडिया में आया है, तब से 2013 और 14 तो साधारण सा गुजरा है इनके लिए, और 15 जो ट्रेंड था इनका Redmi 3S, 3S Prime, Redmi 4A, Redmi 5A, Redmi Y1 Lite सीरीज जो आए थे, क्योंकि बहुत ही अच्छे ट्रेंड पे और बहुत ही कस्टमर जो इसके साथ एग्रीमेंट थे और बहुत ही अच्छा उनका फीडबैक भी मिल रहा था। तो यहाँ पर उनका बहुत ही अच्छा सेल्स हो रहा था और बहुत ही अच्छी मार्केटिंग हो रही थी इंडिया में। तो यहाँ पर बात करूँ कि आपके कंटेंट बॉक्स में, तो अब तक Xiaomi ने जब से उसका Redmi 1 निकला था या फिर कैसे थे Redmi 1S निकला था, अब तक Note 5 Pro में भी उसको हेडफोन को इंक्लूड नहीं किया, जो कि बहुत ही डिसगस्टिंग फैक्टर या फिर कहते हैं डिसएग्रीइंग फैक्टर है Xiaomi की तरफ से, और उसको अलग से खरीदना पड़ता है, जो कि लगभग से 900 रुपये का पिस्टन आपको पड़ जाता है, फिर 600 रुपये का आपको अकॉर्डिंग टू आपके स्मार्टफोन के हिसाब से आपको पड़ जाता है। तो ये डिसएग्रीइंग बात है, क्योंकि हर एक कंपनी जो है हेडफोन्स प्रोवाइड करती है और यहाँ पर Xiaomi को भी हेडफोन्स प्रोवाइड करने चाहिए। तो मुझे लगता है अगले ट्रेंड से या फिर कैसे थे अगले Xiaomi के नए प्रोडक्ट के साथ, अगर Xiaomi बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हेडफोन्स लाता है तो कस्टमर बहुत ही अच्छा खुश होंगे और उसका अच्छा फीडबैक भी देंगे। तो मुझे प्लस पॉइंट लगेगा कि अगर Xiaomi इंप्रूव करेगा नेक्स्ट टाइम से। तो अगर आप मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी के बारे में, तो आपको सिक्योरिटी पैच लेवल तो मिलते ही रहते हैं। तो मैं बात करूँ तो इसे बूट लोडर अनलॉक करने में, क्योंकि बहुत सारे Xiaomi यूजर्स हुए हैं कि वहाँ पर कस्टम स्किन यूज़ करते हैं, वो स्टॉक एंड रॉम चेंज करते हैं, तो मैं भी एक रॉम चेंज करता हूँ, ऐसे ही डिस्ट्रक्शन डालता हूँ या फिर कोई और डालता हूँ, ऑक्सीजन डालता हूँ। तो यहाँ पर आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा 1 महीने पहले, तो आपको बहुत ही लेट हो जाएगा। तो उतने में आप दूसरा स्मार्टफोन लेकर जो है आप रूट करके और उसको रिकवरी में डालकर उसको जो है आप जो है रोम फ्लैश कर सकते हैं। तो अगर आप Xiaomi का स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो लगभग से आपको 20 से 25 दिन लग जाएंगे बूट लोडर अनलॉक करने के लिए, और रूट करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड लग जाएंगे, तो बहुत रॉन्ग बात है। तो Xiaomi इस तरह से बूट लोडर अनलॉक का परमिशन लेता है। तो बहुत ही सिंपल था, पहले उसको रिकवरी का जिप फाइल डाउन करना था, फ्लैश करना था, बहुत ही अच्छा था, सिंपल से हो जाता था। तो वेट करना पड़ेगा 25 डेज, जब तक परमिशन अलाउ ना हो जाए कंपनी से, तब तक आपका मॉडल वहाँ पर वेरीफाई ना हो जाए। तो अब लास्ट बात करते हैं दोस्तों, क्यों आपको पता होगा कि अगर इंडिया में Xiaomi ना होता तो क्या होता। तो यहाँ पर मैं आपको बात करूँ इंडिया का सेल्स जो है Xiaomi में, जो कि बहुत क्रेज है, बात करूँगा तो पहला आता है अच्छी बात इसकी प्राइसिंग, क्योंकि Xiaomi यूजर के हिसाब से प्राइसिंग रखता है। जब आपको Redmi 3S आया था जो कि लगभग से 7,000 रुपये था, और उसके बाद Redmi 3S Prime आया जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ और मेटल बॉडी के साथ आता था, और उसके बाद 5 आया, 5 सीरीज आया जो कि लगभग से 5,000 था इंडिपेंडेंस जनवरी रिपब्लिक के टाइम पर, और उसके बाद 6,000 हो गया लगभग से अप्रैल के महीने में, जून में आपको जो है 6,000 हो गया। लेकिन पहले आपको इसका प्राइस 5,000 था, जो कि बहुत ही अडाप्टिव प्राइस था इस प्राइस रेंज में, क्योंकि 5 आपको देखने मिल जाता था। तो पहली बात इसकी प्राइसिंग की। तो दूसरा बात आता है प्रोसेसर का। तो हर एक Xiaomi स्मार्टफोन में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको स्नैपड्रैगन का कोई लेटेस्ट स्मार्ट चिपसेट ही देखने मिल जाएगा, विद एड्रिनो मोर देन 304 या फिर कैसे थे 306। तो एड्रिनो का जो आपको यहाँ पर एड्रिनो की बात करूँ तो एड्रिनो आपको गेमिंग में हेल्प करता है, जो आपको गेमिंग ग्राफिक्स हाई क्वालिटी का देता है या फिर कैसे थे गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा कर देता है अगर आप गेमर हो। तो यहाँ पर अब लेटेस्ट चल रहा है 506, जो कि रेडमी नोट 4 में आ रहा है या फिर कैसे थे रेडमी नोट 5 में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब Xiaomi ऐसे काम करता है, जैसे आपको प्रोसेसर अच्छा देता है, प्राइसिंग अच्छी देता है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ऑल सभी Xiaomi स्मार्टफोन यूज़ किए हैं, जो कि लगभग से 20,000 रुपये के नीचे है, जो कि मी मैक्स 2 हो जाए, मी मैक्स हो जाए, रेडमी 1S हो जाए, 2S हो जाए, 2 प्राइम हो जाए या फिर कैसे थे 3S, 3S Prime, Y1, Y1 Lite, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ऑल स्मार्टफोन यूज़ कर चुका हूँ Xiaomi के, जो कि मुझे पसंद आते हैं इस स्मार्टफोन को यूज़ करना और एक्सपीरियंस करना इसका लेटेस्ट अपडेट्स और इसके लेटेस्ट फीचर जो जो नए नए स्मार्टफोन में लॉन्च होता है तो उसमें नए नए फीचर्स जो है हाईलाइट करके दे देता है। तो मेरा पहला स्मार्टफोन जब था वो था Redmi 1S, और उसके पहले जो था Samsung Galaxy Y, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। तो आपका स्मार्टफोन पहला कौन सा था तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन बताएगा, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर से दूंगा एक अच्छे वे में। तो होप करता हूँ आज के वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज जरूर इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इतनी अच्छी नॉलेज मिल सके जितनी आपको मिल रही है। अगर आपको लगता है कि मैं फ्यूचर में ऐसी अच्छी कंटेंट ला सकता हूँ तो आप वेट मत कीजिए, हमारा इस लाल बटन क्लिक करके एक ग्रे कलर कर दीजिए, जैसे मैजिक कर दीजिए, तो आपको हमारी वीडियोस देखते रहिए। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं Xiaomi के ऊपर, तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन खरीदना है अमेज़न से, क्योंकि बेस्ट बाय लिंक से मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं और देख पर के ले सकते हैं।